नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्स न्यूज़। मैं हूं आपके साथ रितेश शर्मा। भारत में टू व्हीलर चलाते वक्त हेलमेट पहनना अनिवार्य है। हालांकि बिना हेलमेट के बाइक या स्कूटर चलाने पर ट्रैफिक पुलिस चालान काट देती है, लेकिन ट्रैफिक नियमों के मुताबिक अगर आप हेलमेट पहनकर भी टू व्हीलर चलाते हैं तब भी आपका चालान कट सकता है। हाँ, ये सही है कि आपको हेलमेट पहनने पर भी 2000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है। मोटर वाहन अधिनियम के अनुसार यदि कोई राइडर बाइक या स्कूटर चलाते समय हेलमेट की पट्टी नहीं लगाता है तो उस पर नियम 194D MVA के अनुसार 1000 रुपये का चालान किया जाएगा। यदि कोई डिफेक्टिव हेलमेट पहने या BIS रजिस्ट्रेशन वाला हेलमेट पहने हुए पाया जाता है तो राइडर को 194D MVA के अनुसार 1000 रुपये से ज़्यादा का जुर्माना भरना पड़ सकता है। 2 साल पहले केंद्र सरकार ने अनिवार्य किया था कि भारत में दोपहिया वाहनों के लिए केवल भारतीय मानक ब्यूरो यानी BIS प्रमाणित हेलमेट का निर्माण और बिक्री की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों के अनुसार सड़क सुरक्षा समिति ने मार्च 2018 में देश में हल्के हेलमेट की सिफारिश की थी। बच्चों के लिए भी ये नियम बनाया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने हाल ही में सेफ्टी रूल्स को अपडेट करते हुए टू व्हीलर पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के लिए नए नियम बनाए थे। नए नियम के मुताबिक टू व्हीलर पर जाते समय बच्चों के लिए हेलमेट और हार्नेस बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य कर दिया है। इसके अलावा टू व्हीलर की स्पीड 40 किलोमीटर प्रति घंटा से ज़्यादा नहीं हो सकती है। नए यातायात नियम का उल्लंघन करने पर 1000 रुपये का जुर्माना और 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस को सस्पेंड किया जा सकता है। ये जानकारी आपको कैसी लगी है हमें कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइए, और हमारे चैनल दर्स न्यूज़ को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए, और अगर ये वीडियो आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो करना न भूलें। धन्यवाद।